हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम उस नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें जो ख़त्म होते हैं 5 से। जैसे मान लो हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 5 के साथ क्या आ रहा है। 5 के साथ आपके पास 2, तो हम 2 को उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ जाएगा 6। ओके, नाउ फिर जो ये 6 आया है तो इसके एंड में हम लिख देंगे 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर। मान लो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 95, तो 95 का स्क्वायर कैसे निकालना है, सेम प्रोसीजर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को उसके नेक्स्ट नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आ जाएगा 90। ठीक है, फिर 90 के आगे हम लिख देंगे 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 95 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम मान लो हमें निकालना है 195 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 5 के साथ क्या नंबर आ रहा है वो हमने देखना है। 5 के साथ आ रहा है 19। ठीक है, तो हम 19 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 20 से, जो किया जाएगा 380। ठीक है, तो हम फिर 380 के आगे लिख देंगे 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 195 का स्क्वायर। इस तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो ख़त्म होते हैं 5 से। ना दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें जो ख़त्म होते हैं 1 से। थैंक यू।